السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی باغِ عالم میں بادِ بہاری چلی سرورِ انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذاتِ باری چلی ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ابرِ رحمت اٹھا آج کی رات ہے इतरे रहमत फरिश्ते छिड़कते चले जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले और चांद तारे जिलू में चमकते चले कहकशां जेरे पा आज की रात है कहकशां जेरे पा आज की रात है और तूर पर रिफअते ला मकानी कहां तूर पर रिफअते ला मकानी कहां लन तरानी कहां और मन रानी कहां लन तरानी कहां और मन रानी कहां जिसका साया नहीं उसका सानी कहां
उसका एक मोजज़ा आज की रात है, उसका एक मोजज़ा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और चांदनी में डूबे हैं सारे जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। और मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात, मांगने का मजा आज की रात है। लाइक सत्ताजीम तकरीब वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार उलमा एजाम सादात किराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का फजल, उसका करम और उसका एहसान कि उसने माज़ अपने फजल करम और एहसान से हमें ये तौफीक रफीक अता फरमाई कि आज हम और आप इस बाबरकत नूरानी इरफानी महफिल पाक में अपने आका के अजीम मोजज़े का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इस जिक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदत मंदी नेक बख्ती और नजात का जरिया और सबब बनाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात इस महफिल पाक की असल और बुनियादी गर्ज व गायत से मुझसे भी ज्यादा बखूबी वाकिफ हैं। इस महफिल पाक को अजीजम जनाब बिलाल साहब ने अपने वालिदैन आयज़ा अकरबा और आकाए नामदार ताजदार मदीना की सारी उम्मत मरहुमा के ईसाले सवाब के लिए इस महफिल को मुनाकिद किया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रात मुंतखब की है ये अजीब इत्तफाक है। आज ये वो रात है जिसमें आकाए नामदार ताजदार मदीना ने, बाकी मरहले तो अपनी जगह पे हैं, रब की बारगाह में दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना के मकाम पर पहुंचे। आका ने वहां पर भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया। ये वही रात जिसमें वैसे तो कई जगहों पे मेरे आका ने उम्मत को याद फरमाया है जो इंशाअल्लाह वाके में आप हजरात सुन भी चुके हैं और अगर कहीं मौका आया तो आज भी सुन लेंगे कि आज की शब में रहमतुल आलमीन ने और इस उम्मत पर मेहरबान आका ने कैसी कैसी जगहों पे उम्मत को याद फरमाया है। और फिर सिर्फ याद फरमाया ही नहीं बल्कि महबूब के याद फरमाने पर रब की बारगाह से मगफिरत का मुज़दा भी पाया। इन इस रात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इस उम्मत मरहुमा की मगफिरत का मुज़दा सुनाया, बख्शिश का मुज़दा सुनाया। तो गोया कि महफिल तो है ईसाले सवाब की। और मैं एक बात अर्ज कर दूं जिससे आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं,
अच्छा एक बात पहले ये भी समाप्त फरमा लें कि मुझे जो गुफ्तगू में झजक महसूस हो रही है, यानी मैं गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं रोशनी में हूं पर आप सब अंधेरे में, यानी मुझे आपके चेहरे सही नजर नहीं आते। हाँ, अगर मैं इस तरह कोई आड़ रखूं तो हल्का सा आपके चेहरे का दीदार हो सकता है, और अगर इस तरह करें तो, हालांकि जलसे का ये कानून है कि रोशनी सब पे यकसां हो, यानी जैसी रोशनी स्टेज पर है वैसी आप लोगों के चेहरे पर भी हो, ताकि मुझे पता चले कि आप बेदार हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और आपके तासुरात का मुझ पर भी असर हो। अब यहां पर एक तरफा मामला है, अब एक तरफा मामला जो है ना वो तो चलना बहुत भारी होता है, तो ये जलसा गा जो है उसके कुछ उसूल होते हैं, और उन उसूलों में सबसे पहला उसूल ये है कि नजदीकी होनी चाहिए, यानी बोलने वाले और सामईन के बीच में नजदीकी होनी चाहिए। और यहां सदियों से जलसे होते चले आ रहे हैं, सदियों से बरसों से जलसे हो रहे हैं, और मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि पूरी दुनिया में इतने जलसे नहीं होते। एक मौके पे मैंने आपकी इस बस्ती का नाम भी रखा था, जलसों की बस्ती, और ये बिल्कुल दुरुस्त रखा था, इसमें कोई शक नहीं, यानी जलसे तो हो रहे हैं, दिन में दसियों जलसे। इतने जलसे होने के बावजूद अभी तक हमें ये भी मालूम नहीं कि जलसे के उसूल क्या होते हैं, और जलसा कहते किसको है। भाई किसी से बात करना है तो जितना नजदीक होंगे उतना ही बात में लुत्फ आएगा। आप भी एक दूसरे से बात करते हैं तो दूर खड़े रह के बात क्यों नहीं करते, करीब क्यों जाते हैं? और फिर बात जितनी अहम हो कुर्बत उतनी भी ज्यादा, अगर आम बात है तो दूर रह करके कर सकते हैं, खास है और ज्यादा करीब, तो बात करने के लिए एक तो कुर्ब जरूरी है, और दूसरी चीज ये भी जरूरी है कि ये जो रोशनी है ये सब पे यकसां हो, यानी सारा मजमा रोशनी में नहाया हुआ हो, ऐसा ना हो कि बाद पर रोशनी हो और बाज अंधेरे में हो, नहीं, ये जलसे के उसूल के खिलाफ है। और ये जो बल्ब आपने अब ये चाहे जिस मकसद से लगाया गया हो, मैं उससे वाकिफ हूं, इसके लगाने का मकसद भी मुझे मालूम है, लेकिन इजहार की कोई जरूरत नहीं, जरूरी तो ये था कि ऐसे तीन चार बल्ब चारों तरफ लगा देते, एक इधर, एक पीछे और एक इस तरफ, तो ये सारे मजमे पे रोशनी रहती तो फिर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वैसा तो मजमे का लुत्फ भी कुछ और होता। अब ये हर मजमे में ताकीद की जाए कि ऐसा करो ऐसा करो आगे आओ, हमारे यहां हकीकत में मैं इन्हें हमेशा ये सुन रहा हूं और ये देख भी रहा, जब भी कोई जलसा हुआ छोटा या मोटा, स्टेज पर आने वाला सबसे पहले यही कहता है कि करीब आओ। जी, रोजाना अगर 10 जलसे भी हुए तो ये दसियों जलसे में वो यही कहेगा कि थोड़ा सा आगे आओ, उठो उठो, जो बैठे हैं वो उठने का नाम ही नहीं लेते। अब जब रोजाना का ये मामूल है तो बैठने वालों को भी आकर के जो पहले आए वो आगे आके बैठ जाए, और जलसे का हुक्म यही है, और ये है फजीलत, ये फजीलत है। भाई जलसे आप मस्जिद में जाते हैं तो अगली सब में क्यों बैठते हैं, और अगर जितने नमाजी हैं पिछली सब में बैठ जाएं तो क्या वहां भी इमाम को कहना पड़ेगा कि आगे आओ? तो वहां भी अल्लाह की रहमत है, मगफिरत है, वहां भी अल्लाह का घर है, और ये मजलिस भी खुदा और उसके रसूल का जिक्र है, तो इसमें जो पहले आएगा वो उतना ही सवाब पाएगा, और जो जितना करीब बैठेगा उतना ही ज्यादा फैज मिलेगा। ये दूरी और कुर्ब और नजदीकी इसके फयूज व बरकात होते हैं। हकीकत में बुजुर्गान दीन का तो ये फरमाना है कि जो जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा पाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक आए हैं पाने के लिए,
झोलियां फैलाए बैठे हैं, और जब कोई पूछे तो कहते हैं सवाब लेने आए। तो सवाब लेने आए तो पीछे क्यों रहते हैं, आगे बढ़िए ना। जी, अगर कोई यहाँ पे दुनिया की कोई नेमत बढ़ती तो बताइए कोई पीछे रहता। जी बिल्कुल, सबसे पहले यानी तो फिर धक्का मुक्की होती, और ऐसे मौके पे तो कुछ लोग गिर भी जाते हैं और जान भी दे देते हैं। अल्लाह अकबर, फानी चीज के लिए इतना यानी इज्तिहाम और इतनी भीड़, और ये बाकी है, बाकी ये बाकियात सालेहात। सुभान सुभान अल्लाह, बेशक वाह, सब मिटने वाला है, बाकी रहने वाली चीजें यही है, ये महफिलें और ये जिक्र, और इस जिक्र में जो कुछ रब सवाब अता फरमाता है बाकी रहने वाला यही है। तो हमें चाहिए कि हम किसी को कहने का मौका न दे, क्यों सुने भाई, क्यों रोज कहलवाएं कि जो पीछे बैठे आगे आए, उठो आगे आओ। हर जगह पे यही रट लगी है, और फिर जो पीछे बैठने वाले हैं वो भी गोया कि इतने अपने इरादे पे मुस्तहक हैं कि अगर हाथ पकड़ के भी उठाओ तो फिर भी गिर जाएंगे, जैसे उठना आता ही नहीं। अल्लाह, गोया उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि यहां से तो नहीं उठेंगे, चाहे जो हो जाए, बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, ऐसे मत बैठे। ऐसे तो ख्वाजा साहब ने ऊंट बिठाए थे, फिर ख्वाजा ही नहीं उठाए। सुभान अल्लाह। तो महफिल के कवायद और जाब्ते होते हैं, अल्लाह ताला हमें उन उसूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमान। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जलसा असल में ईसा अलैहि सवाब के लिए, लेकिन इत्तफाक देखिए, रात मिली शबे मेराज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आए हैं मगफरत की दुआ मांगने, और फिर मैं जो अर्ज कर रहा था वो बुनियादी बात ये थी कि बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने पीछे ऐसी नेक औलाद छोड़ी, जिस औलाद ने उन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया, भुलाया नहीं। सुभान अल्लाह, वाह बहुत उम्दा, बल्कि वो बिल्कुल मुसलसल उनकी मगफरत के लिए ईसाले सवाब करते रहे। अब ये ईसाले सवाब क्या है कि जरूरत है कि मैं इसको कुछ बताऊं, कोई जरूरत नहीं है। ये ईसाले सवाब क्या है, ये भी एक तरफा बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ईसाले सवाब करें तो सिर्फ अहले कुबूर जो है उनको फायदा पहुंचे, नहीं। अहादीस उठा करके देखिए, सवाब उन्हें भी मिलता है और सवाब इन्हें भी मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक वाह। यानी दुआ मांगने आए थे उनके लिए, और दुआ लेके ये जा रहे हैं, ये रब का करम है, और ये इस उम्मत की खसूसियत है, और ये सदका मुस्तफा का है, और ये सदका मेराज वाले आका का। सुभान अल्लाह, बेशक कि हम उनके लिए मगफरत की दुआ करें और हमारे दामन सवाब से भर दिए जाएं, और सवाब भी इतना जैसे आप सुन चुके हैं, जुमे के दिन आकर के कोई अपने अजीज रिश्तेदार पर यासीन पढ़े, यासीन का जिक्र आया तख्सीस के साथ, यानी जुमे के दिन आकर के यासीन पढ़ी, तो उस कब्रिस्तान में जितनी कब्रें हैं सबको तो सवाब मिला, उतनी मिकदार में यासीन का सवाब पढ़ने वाले को मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए, इसने एक बार पढ़ा और इसे सवाब इतना मिला कि अगर हजार हैं तो हजार का, 2000 हैं तो 2000 का। अब ये कोई उसकी कमाई थोड़ी है, ये कमाई नहीं, ये कर्म है। सुभान, ये उसकी कमाई नहीं, ये रब का करम है, और ये सदका मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो यानी औलाद पर ये जरूरी है, और हदीस पाक में वो हुकूक जो माँ बाप के विसाल के बाद भी औलाद पे जारी रहते हैं, उसमें एक हक ये भी है कि वो उनके लिए मगफरत की दुआ मांगता रहे। ये हक है और ये रहता है, और अगर अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा, अदा नहीं करेंगे तो गिरफ्त भी हो सकती है। जी, भुलाया क्यों, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। जी जी सुभान। इन्हें अक्सर जिक्र करने वाले इसका जिक्र कम करते हैं, इस एक चीज का तो जिक्र करते हैं कि अल जन्नत तहत अकदामिल उम्महात, इसका जिक्र करते हैं कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये इसकी तशरीह में अभी नहीं करूंगा, कदमों के नीचे है इसे मुराद क्या है, हम तो जाहिर पे चलने वाले हैं, माँ के कदम की तरफ निगाह गई और फिर कहते हैं कि माँ के कदम है नीचे जन्नत है। अजीब बात, जन्नत है कहाँ, अर्शे मोहल्ला के पास जन्नत है।
कहां अर्श, सुभान अल्लाह। और ये अर्श इस मखलूक की आखिरी हद है, इंदहू जन्नतुल मावा। ये मेराज के जिक्र में इसकी भी तफसील आई है, यानी तहत सरा के नीचे दोजख है और अर्श के करीब जन्नत है। कहां जन्नत और कहां बिचारी ये मां, अब वहां से ये जन्नत इसके कदमों में आई कैसे? मुराद ये है कि कदम थामे रहो, वहां जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। एक बात फिर जहन में आई, अर्ज करता चलो, कदम थामे रहो से मुराद ये है कि माँ बाप के कदमों में रहना, उससे ऊपर मत उठना। और आज तो लोग सरों से भी ऊपर निकल गए, न माँ के सर की परवाह है न बाप के, और फिर चाहते हैं कि जन्नत में जाएं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि अगर जन्नत में जाना है तो इबादत है, रियाजत है, नमाज, रोजे, हज, जकात, आमाले सालिया, ये सब जन्नत में जाने के लिए जैसे जरूरी हैं। आप और हम सुनते हैं, नमाज पढ़ो जन्नत में जाओगे, रोजे रखो जन्नत में जाओगे, हज करो जन्नत में जाओगे, सदका खैरात दो जन्नत में जाओगे, तो जैसे ये सब काम करो जन्नत में जाओगे, इसी के साथ इसको भी मिला के बोल दिया करें कि माँ बाप के हुक्म को मानो, उनका अदब करो, ताजीम करो, हुक्म की खिलाफ वर्जी मत करो, उन्हें नाराज मत करो, उन्हें उफ तक मत कहो, जन्नत में जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जन्नत के जरिए, यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अच्छा ठीक है, जन्नत तो आ गई कदमों के नीचे, लेकिन हर मकान में जाने के लिए दरवाजा होता है, बगैर दरवाजा जन्नत तो है लेकिन दरवाजा बंद रहा। और हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यानी माँ को राजी कर लिया, जन्नत पे पास पहुंच भी गया, लेकिन दरवाजा बंद है क्योंकि बाप की परवाह नहीं की, तो दरवाजा खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं तो जन्नत में जाएगा नहीं। तो फिर यहाँ पर अबवैन, यानी दोनों की ताजीम करना है, माँ की भी ताजीम, बाप की भी ताजीम। ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि वो तो मामता है जो बाप से ज्यादा औलाद को अपनी तरफ खींच लेती। वाह वाह वाह, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पास मामता है तो क्या बाप के पास शफकत नहीं? वाकई अगर यानी इंसानियत है, अल्लाह करे इंसानियत जब निकलती है तो हालात बदलते हैं। और मेरे और आपके आका तशरीफ लाए थे, वो सिर्फ आए इसलिए थे कि इंसान तो थे, इंसानियत नहीं थी, इंसान थे। कि अबू जहल इंसान नहीं था, अबू लहब ये सब इंसान ही तो थे ना, उससे पहले भी थे। तो फिर ये जो 1,24,000 नबी आए तो इंसान थे, फिर नबी क्यों आए? तो क्यों आए कि जवाब में जहां और बहुत सारे जवाब मिलेंगे, वहां ये भी मिलेगा कि इंसान तो थे, इंसानियत नहीं थी। अल्लाह। और जब नहीं थी तो रब ने करम फरमाया, अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा ताकि इंसानों में फिर इंसानियत का जोहर पैदा कर दें, और फिर जहां जहां इंसान हो वहां वहां इंसानियत का परचम भी लहराए। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह 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 वाह। और इंसान तो है ही तब जब हो इंसानियत, और इंसान में अगर इंसानियत नहीं तो फिर ये हैवान से भी बद नहीं। कोई भूल से बद न कह दे, बद नहीं, बल्कि यूं कहिए कि अगर इंसान में इंसानियत नहीं तो वो जानवर से भी बदतर है। और अब अगर मैं चाहूं तो इस बद और बदतर पर भी कुछ बोल सकता हूं, जवाब लेकिन नहीं। हाय हाय, हम इस तरह अगर बोलते रहेंगे तो फजर होगी, और मेरा आज तो खैर किसी ने आज तक कोई बयान कर ही नहीं सका, क्या बयान करेगा? ये उलमा की तरफ मैं इशारा करके और उनसे मुखातब होके बात करूं। औहा इला अब्द ही मा औहा, और उलमा इसका तर्जमा करते हैं कि वही की जो वही की। अब ये जो क्या है,
इसका कोई जवाब तो होगा या नहीं होगा? यानी अल्लाह तआला ने अपने हबीब की तरफ वही की जो जो वही की। अब ये जो वही की कौन जाने क्या, कायनात में किसी को खबर नहीं इस जो के बारे में। इस जो में जो मुस्तफा ने बताया वही उम्मत को पता चला। हाय 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 हाय, ये लफ्ज वही जो है और ये भी जो है। ये यानी ये बहुत अच्छे, ये तो इल्मी बातें हैं ना। खैर इसमें उलझ गए तो फिर मुझे तो बड़े इख्तसार से, मैं इरादा यही करके आया हूँ कि आज की रात का ख्याल करते हुए मैं मेरे आका की मुकद्दस और मुबारक मेराज का जिक्र करूँ। लेकिन मेराज का जिक्र करने के लिए भी जब कोई इरादा करता है तो मेराज के जिहत जिहत नहीं जिहतें, मेराज की जिहतें। और इसमें कितनी का लफ्ज मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कितनी तो है ही नहीं। मेराज की जहतें बेशुमार हैं। जहत आप नहीं समझ रहे, तरफ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे यहां तो 6 जहतें, आपके यहां 4 हैं। असल में जहत जहतें 6 हैं और हम उन 6 में से 4 को जानते हैं, 2 को अगर जानते भी हैं शायद मानते नहीं। आप उलझ गए क्या? थोड़े से थोड़े बहुत उलझना नहीं चाहिए। और जहां कोई उलझता है तो उलमा है ही इसलिए कि सुलझा दें। बात है, वाह वाह। क्योंकि हमारा दीनी उलूम से वास्ता कम है, इसलिए हमें एक एक लफ्ज को समझाने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। अब कोई ये भी लफ्ज है कि हम जहत समझाएं? अल्लाह, अब बताइए। अब एक ईमान वाले मुस्तफा के गुलाम को भाई क्या समझाना चाहिए जो मुश्किल मसाइल हो, वो मुश्किल मसाइल। और मसाइल का वाहिद है मसाला, और आज तो वो मसाला भी नहीं रहा, आज मसाला। आज अगर कोई हमारे पास आता है तो वो हमसे कहता है मौली साहब मसाला पूछना है जी। तो मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि मेरा मसाले का क्या ताल्लुक। मसाला तो वो जाने जिसका काम पकाना हो। क्या बात है, उसे पता है कि मसाला किसे कहते हैं। और ये कह रहा है मसाला, ये दीनी तालीम की कमी का सबब है कि हम दीन में जो इस्तेमाल होने वाले मशहूर में मशहूर लफ्ज हैं वो भी सही नहीं बोल रहे हैं। अब कहां मसाला और कहां मसाला। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और हालांकि अगर देखा जाए तो ये मसाला भी गलत बोल रहे हैं, ये असल में मसालिहा। ये कई इन तो अर्ज ये कर रहा था मैं। तो ये मैं जिहत वाली बात कर रहा था जहां थोड़े से आप उलझे थे। उलझे नहीं, मुझे खुद याद है, मैं खुद आपके सामने इसको सुलझा चुका हूं। जिहत माना तरफ और तरफ माना दिशा। तो समझ रहे हैं कि नहीं भाई? जैसे हमारे यहां एक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसी को अरबी में जिहत कहते हैं। और ये जिहत एक वचन है और इसका बहुवचन है जिहात, यानी तरफें। वाकया एक है मेराज का जी, लेकिन इसकी जिहतें और इसकी तरफ अतराप इतने हैं कि कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता। अब मुश्किल ये है कि जब कोई बयान करने का इरादा कर रहा है तो अब वो वहां ये फैसला नहीं कर सकता कि किस जिहत सफर करे। मैंने कहा ना हमारे यहाँ तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे। हम इन 6 जहतों में भी 2 को छोड़ चुके,
और हम जब इन छह जहतों पे चल नहीं सकते तो फिर वो जहत है कोई है जो उस पे चले और हक अदा करे। मेराज कोई मामूली शय नहीं, मेराज वो अजीम मौजजा है जो न किसी को मिला न किसी को मिले। सुभान अल्लाह, हक है, हक है, वाह वाह, अजीम शान मौजजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, जश्ने मेराज नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह मेराज का जिक्र शुरू कर रहा हूँ, लेकिन पहले जरा जैत वाली बात ज़हन नशीन फरमा लें जी। ये फायदे की चीज है, एक जिंदा आदमी के लिए जहतें छह हैं, और इसको मैं इस तरह आसान कर रहा हूं, आगे पीछे दाएं बाएं, दो आप बोल दें तो सुभान अल्लाह, ऊपर नीचे, वो दो है ऊपर नीचे नीचे। अच्छा, क्या ये जहत नहीं, ऊपर जहत नहीं है क्या जी? अच्छा, अगर नहीं है तो आप इसको क्या नाम देंगे? तरफ। और ये नीचे यानी ऊपर, भाई आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे, तो ये जहत ही तो है और क्या है जी? जी, तो ये जहतें कुल हुई छह जी। चार से हम वाकिफ हैं, दो से बेखबर हैं। ऊपर अल्लाह की रहमत है, नीचे कब्र है याद न अल्लाह याद है न कब्र याद है अल्लाह। और ये चार जहते हैं जिसमें उम्र पूरी कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, रात दिन इन्हीं चार जहतों में फंसे हुए हैं। हालांकि फर्क ये है कि ये तो आम आदमी की जहते हैं, जिसने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, भूल जाए इन चार जहतों को, याद रखे दो जहतों को, और वो जहते ये हैं कि आया कहां से है जाएगा कहां। अगर दो जहते याद रहे तो फिर जन्नती होने में कोई शक नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, अताए हुजूर महमूदुल औलिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आज की इस मुकद्दस बाबरकत नूरानी शब के सदके में हमें इन दो जहतों को भी याद रखने की तौफीक दे। और वैसे भी फिर जहन में बात आ गई, ये ईसाले सवाब की महफिलें जब होती हैं तो जिक्र इसी का होता है। भाई कोई करे न करे ये उसकी मर्जी है, अगर कोई इसमें भी जिक्र कर बैठे दूसरा तो कोई मना तो है नहीं, लेकिन जिक्र भला तब लगता है जो मौके माल के हिसाब से हो। अब जाहिर बात है यानी मौका है शादी का और आप बात करें गम की, तो कोई आपने नाजायज तो काम नहीं किया लेकिन भला तो नहीं लगेगा। यानी हर चीज के लिए मौका और महल है। तो ये जो ईसाले सवाब की महफिलें होती हैं, मैं तो अर्ज कर रहा हूं आप भी सुनना चाहें और कोई सुनाने आए तो हिम्मत करके और उससे कह दीजिए कि साहब या तो बात उधर की कीजिए या इधर की। यानी आज मौका ऐसा है, इसमें बात इन दो जहतों की होगी, बाकी चार जहतें अभी रहने दें, फिर जब शादी वादी आए तो छुट्टी दे देना कि चाहे जैसी, लेकिन इस मौके पे बात या तो याद खुदा की हो और या आलम आखरत की हो। इसमें बात या तो जहां से आए हैं उधर की हो और या जहां जा रहे हैं उधर की हो, न इधर की हो और न इधर की हो, बात हो तो या उधर की हो और या इधर की हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह सुभान। अब मैं जो जिहाद की बात कर रहा था ना, उसमें सबसे पहले एक सवाल है, भाई मेराज क्या है? ये तो आप जानते हैं ना कि नहीं जानते? क्या जिंदगी में ये रात पहली बार आई है? और शबे मेराज में जश्ने मेराज या मेराज का जिक्र क्या सिर्फ आज ही हो रहा है? नहीं, बरसों से हो रहा है।
तो जब हो रहा है और ये हमारे ईमान में दाखिल है तो फिर इसका इल्म क्यों नहीं होना चाहिए? ये जुज़्वे ईमान है। अब मैं सिर्फ दो लफ्जों में अर्ज कर दूं फिर आगे बढ़ूं। मेराज क्या है? जिस्म के साथ मेरे और आपके आका ताजदारे मदीना हरमे मक्का से चले मस्जिद अक्सा होते हुए सातों आसमान फिर अर्श कुर्सी लो कलम सिदरा ये सारी मंजिलें तय फरमाते हुए पहुंचे ला मकाम में और फिर ला मकाम में हिजाबात को तय करते हुए पहुंचे दना फिर पहुंचे तदल्ला फिर पहुंचे काब कौसैन फिर पहुंचे आओ अदना और जब पहुंचे आओ अदना में तो सर की आंखों से जिस्म के साथ मुस्तफा ने रब का दीदार किया और ये खासा मुस्तफा का है और किसी का नहीं कि इस दुनिया में कोई इन आंखों से रब का दीदार कर सके। अगर किया है तो आमिना के लाल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जश्ने मेराज नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये है मेराज। अच्छा फिर ये इतना बड़ा सफर किया वक्त कितना लगा? इतना लंबा सफर वक्त कितना लगा? तो जो मशहूर है ना मशहूर और जिस पे हमारा ईमान है और ईमान है ही यही और जो इसे न माने वो बेईमान है। इतना सफर किया लौट करके आए जंजीर हिल रही है और दरवाजा खोला था जो खुलने से जंजीर हिली वो अभी हिल रही है और जिस बिस्तर से जिब्रील ने उठाया था जिस्म लगने से जिस पर बिस्तर पर जो गर्मी थी वो गर्मी भी मौजूद है। जंजीर हिल रही है बिस्तर गर्म है और वुजू जो फरमाया था उसका पानी अभी बह रहा है और इतनी ही देर में गए और आए मोहम्मद। तुम दा सुभान अल्लाह। इतनी अब इसको वक्त में कैद नहीं कर सकते क्योंकि इसको सेकंड भी नहीं कह सकते। नहीं अल्लाह जाने और उसका ये है मेरा और इसी पे है हमारा ईमान अहले सुन्नत व जमात का। अगर कोई मुझसे पूछे तो आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं वरना जरूरत नहीं है। इतना लंबा सफर और इसकी लंबाई को आज तक कोई समझ ही नहीं सका। नहीं हकीकत में नहीं समझ सका। आगे अगर मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं लेकिन एक यानी इस सफर की लंबाई का अंदाज आप कर सकते हैं। बुराक पे सवार हुए और पहुंचे सिदरा पे। जिब्रील वहीं रुक गया रफ रफ और फिर रफ रफ से आगे जब ये सवारियां हदीस में कहीं दो कहीं तीन चार सवारियां फिर सवारी भी नहीं। अब आगे बढ़ना है तो वहां पर लिखा है कि मुस्तफा ने कदम बढ़ाया। अब बगैर सवारी के मुस्तफा जा रहे हैं और कदम बढ़ाया और ये 70,000 कदम 70,000। अब सुने जरा गौर से सुने। मेरे आका ने जो एक कदम उठाया और जहां रखा ना फासला कितना तय किया? हरम से लेके सिदरा तक ये जो पूरा फासला था मेरे आका के एक कदम में ये सब आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कदम में इतना फासला तय किया। ये नबी की ताकत है वो बुराक की ताकत थी। कहां बुराक की ताकत और कहां नबी की ताकत? नबी बुराक के मोहताज नहीं थे और बुराक तो शान के लिए था कि रब ने बुलाया था महबूब पैदल नहीं सवारी पे आए। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत हयातुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत
और ये सफर भी हम कोई थोड़ी समझ सकते हैं कि जमीन से आसमान का फासला कितना, फिर आसमान का हजम कितना, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला कितना, फिर दूसरे आसमान का हजम कितना, फिर दूसरे से तीसरे का फासला कितना, और फिर उसके आगे फिर आप अंदाजा फरमाएं कि ये सिदरतुल मुंतहा है, अर्श है, फासले कितने हैं। और ये सारे बुराक ने तय किए थे, और बुराक की तेज रफ्तारी का आलम यह था जहां हद्दे निगाह, उसकी निगाह जहां तक पड़ती थी वहां बुराक का एक कदम पड़ता था, और ये बुराक का कदम है। लेकिन जब बुराक और सवारी से उतरे और मेरे आका अपनी शान से चले हैं और जब कदम बढ़ाया है तो इतना तवील रास्ता मुस्तफा ने एक कदम में तय करके बता दिया कि बाकी ताकतें एक तरफ हैं और नबी के कदम की ताकत एक तरफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर इसी पर बस नहीं, ऐसे 70,000 कदम, ऐसे 70,000 कदम, और ऐसे 70,000 कदम जो आपने देखे, ये हिजाबात थे, हिजाबात अजमत के हिजाब, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की शान, लामता हिजाब अजमत है ये। और मेरे आका कदमों से तय करके 70,000 जब तय कर लिए थे तो फिर आवाज आई थी कि मोहम्मद आ गया। ये आवाज बाद में आई थी, ये पर्दे हटते गए। और मेरे आका सुन ले, फिर सुन ले, मुस्तफा जिस्म के साथ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिस्म के साथ रूह और जिस्म, और रूह जिस्म ही को कहा जाता है अब्द। कुरान ने फरमाया असरा बे अब्द ही, सिर्फ जसद ही नहीं, फिर रूह ही नहीं, रसूल ही नहीं, नबी ही नहीं, हबीब ही नहीं, मुजतबा नहीं, मुस्तफा नहीं, असरा बे अब्द ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह। खास बंदे को इतना लंबा सफर, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह से आवाज आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम बारह सुन चुके, रब की तरफ से बारगाह आ रही थी कि मेरे महबूब और आगे आए, और आगे और आगे। अब जब और आगे और आगे, तो मेरे आका तो शौक तो था ही, और आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते फिर वो मकाम आया जो सुनाने वालों ने सुनाया, हमने सुना, अल्लाहु अकबर, मेराज मुस्तफा, ये मेरे आका बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो मकाम आया कि रब ने फरमाया किफ या मोहम्मद, फरमाया मेरे महबूब अब तू रुक जा, अब मैं आ रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये है इस्तकबाल। हदीस के अल्फाज हैं, रब ने फरमाया किफ या मोहम्मद इन रब का युसल्ली अलैका, अब तेरा रब तुझ पे रहमतें नाजिल कर रहा है, रब दुरूद पढ़ रहा है, महबूब रुक जा, अब तू रुक। और फिर हुआ दना फतदल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कोई मेराज बयान नहीं किया तो वाकई मेराज तो अभी मैंने छेड़ा भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मेराज कहते किसको हैं, वाकया तो बाद में होगा ना। अब जरा इत्मीनान से शरबत नोश फरमा लें, जरा ताजा हो जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ देर और बैठ सकेंगे। और ये बीच में इसलिए शरबत पिलाई जा रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह की रहमतों की अलामतों में से एक अलामत है। नेमत मिल रही है, पियो यहां पियो, वहां भी मुस्तफा पिलाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन सुभान अल्लाह। वहां और तो कोई पिलाने वाला होगा ही नहीं, हौज़े कौसर मुस्तफा पिलाएंगे, और पिलाएंगे तो ऐसे नहीं बल्कि बुला बुला के पिलाएंगे। इसलिए तो दीवाने कहते हैं कि रोकने वालों रोकते रहो, हम तो मुस्तफा के गुण गाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक, और इसी तरह गाते जाएंगे, और इसी तरह जो रोकने वाले हैं वो मिट गए, मिटते हैं, मिटते जाएंगे, न मिटा है न मिटेगा कभी। चर्चा तेरा, चर्चा तेरा,
हम इंशाल्लाह ये चर्चा यूं ही होता रहेगा, यहां भी होता रहेगा, वहां भी होता रहेगा। तो मेराज इसका नाम है, यानी अल्लाह के हबीब। और इतना लंबा कोई समझ ही नहीं सकता कि ये कितना लंबा, कहां। और फिर मैं अर्ज कर दूं, ये वहां जहां कहां भी नहीं था। इतना तो हम और आप जानते हैं, ला मकान, यानी जहां कोई मकान नहीं, और जहां मकान नहीं होगा वहां जमा भी नहीं होगा, वहां फिर जैत भी नहीं होगी, कोई चीज नहीं। ला मकान, क्या समझे ला मकान। और ला मकान यानी जहां रब की शान, रब के जलवे, कायनात अर्श पे खत्म, आगे रब के जलवे लामका। लामका में जिब्रील भी नहीं जा रहे हैं, और मुस्तफा और आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं। ये है मकाम मुस्तफा। तो एक सवाल है, उसका मैं जवाब देके फिर जरा कोशिश करूं आगे बढ़ने की। इतना ऊंचा, इतना आला सफर, लामका का सफर, रब की बारगाह में पहुंचे तो यहीं पर जो अकल के घोड़े पे सवार हुए गिर गए। अकल के घोड़े पे सवार हुए गिर गए। और जिन्होंने इश्क को इमाम बनाया, ये देखिए अजीब इत्तफाक है, अल्लाह अकबर। ये लफ्ज भी कितना अच्छा जबान पे आ गया, अकल के घोड़े पे और जिसने इश्क को इमाम बनाया। सुभान अल्लाह। या मैं ये नहीं कहूंगा कि इश्क पे सवार हुए, इश्क सवारी नहीं, इश्क इमाम है। और जिसने इश्क को इमाम बनाया वो सिद्दीक बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसने इश्क को इमाम बनाया वो जिंदगी देने के लिए तैयार था, लेकिन शरीयत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये इश्क ही तो था जिसने तबीयत को मिटा दिया, शरीयत को बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। सुभान। और आज जो तबाही नजर आ रही है ना, वो इसी तबीयत की है। अजीब हाल है, आ गया जुमला। अच्छा, अच्छा, चलें तबीयत पे और चाहें जन्नत, चाहें जन्नत। वाह वाह, बहुत अच्छे इशारा, वाह वाह। वैसे तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस पे आप कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें तबीयत पे और जाना है जन्नत में, ये सुभान अल्लाह हैरत वाली है, वो नहीं है। क्या बात है, हाय हाय, अफसोस अफसोस, सद अफसोस। अगर जरा सी भी अकल और शूर हो तो ये बात आसानी से समझ में आती है। हम शरीयत पे चलने वाले हैं, जिसने मुस्तफा का दामन थामा उसकी तबीयत का अब कोई दखल नहीं, अब वो वही करेगा जो शरीयत कहेगी। और हम अपना हाल देखें, यहाँ शरीयत कम है और तबीयत का राज है, तबीयत का राज है। दावा गुलामी है मुस्तफा का, मनाने आए हैं मेरा, जुलूस निकाल रहे ईदे मीलाद, और नारे लग रहे हैं जबरदस्त जोश वाले, लेकिन सब तबीयत है ये सब, और तबीयत कबूल नहीं है, कबूल शरीयत है। ये आप करें अच्छा है, कोई मना नहीं करेगा। जुलूस निकालिए, नारे, जश्न मनाइए, शरबतें पिलाइए, और रात भर आप जिक्र कीजिए, सुभान अल्लाह भी कहिए, लेकिन है सब तबीयत, क्योंकि इससे कुछ देर पहले शरीयत थी, अभी कुछ देर पहले शरीयत थी तो उसमें हम कहां गए थे। इशा की अजान जो हुई थी यही शरीयत थी, वहां तबीयत ने आने नहीं दिया। और जहां पर चटपटा मिले वहां न चाहते हुए भी तबीयत खींच के लाती है, इज्तिहाम हो जाता है, भीड़ जम जाती है। सुभान अल्लाह, मैं सोच में पड़ जाता हूं, जाने चाहता है जन्नत में, शरीयत ने बुलाया तो गए नहीं, तबीयत ने बुलाया तो दौड़ते चले आए। फैसला मेरा नहीं, फैसला कुरान मजीद हदीस पाक का है, फैसला कुरान हदीस की रोशनी में हमारे मुर्शिदाने बरहक का है, पीराने उज़ाम का है, उलमाए रब्बानीयीन का है, अगवास का, औताद का, और जितने भी अल्लाह के नेक बंदे साले उन सब का कुरान हदीस की रोशनी
कबरी में फैसला ये है, तबीयत वाला जन्नत में नहीं, जन्नत में वही जाएगा जो शरीयत वाला होगा। नारे तकबीर, आवाज आनी चाहिए, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, जब इतनी ईमान अफरोज महफिल है तो दिल की गहराइयों से रब की बारगाह में सफरे मेराज का सदका देके मांगे कि मौला तबीयत की जंजीरों से आजाद फरमा। जो तबीयत के बंधनों में बंधे हैं मौला आजाद फरमा, और जैसे ही आजाद हो तो फिर आजाद न रहने दे, शरीयत मुहम्मदी का गुलाम बना। अल्लाह हम सबको शरीयत का गुलाम बना दे, और जब शरीयत के गुलाम जो बनते हैं वो जन्नतें तकसीम करते हैं। वाह 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 वाह। फिर वो ये नहीं सोचते कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, कसम रब की जो मेरे आका की शरीयत के गुलाम बन गए तो नबी ने उन्हें वो एजाज बख्शा है कि उन्हें जन्नत का मालिक बना के, और फिर कह दिया है कि है तो मेरी, जब तू मेरा तो जन्नत तेरी, अब जिसे तू चाहे जन्नत दे दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये शरीयत ने एजाज बख्श दिया। और ये मुस्तफा के गुलामों की शान है, सहाबा का किरदार पढ़ लें, उस्मान बनी दो बार जन्नत के मालिक बन गए थे, और मालिक जिसे चाहे जन्नत दे सकता है जी, और बुजुर्गों ने दी भी है क्योंकि वो शरीयत के ताबे थे, तबीयत के। और देखो अब ये बात बढ़ रही है, इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर कभी मौका मिला तो तबीयत शरीयत पे बात बाद में करेंगे, अभी चूंकि जिक्र मेराज का कर रहे हैं जी। और मैं इस पर एक बात बड़ी अहम समझाने जा रहा था कि इतना बड़ा सफर अकल में आए कैसे, और देर भी कितनी लगी, कुछ नहीं, देर भी कुछ नहीं, बिस्तर भी गर्म, और वजू का पानी बह रहा है, और गए भी आए भी, मुशाहिदा भी किया, मुआयना भी किया, औहा इला अब्द ही औहा भी हुआ, और फिर नबियों से मुलाकातें भी हुई, और मस्जिद अक्सा में इमामत भी हुई, सुभान अल्लाह, जन्नतियों की शान भी देखी, दोजखियों के बुरे हाल भी देखे, अल्लाह क्या नहीं देखे। और समझना हो तो कल मुशाहिदा तो मेराज पढ़ लें, गुजराती तो पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो पढ़ते क्यों नहीं, बस सब इसी सुनने पे जोड़ दिया है कि सुन के सब थोड़े याद रहेगा, खुद भी तो कुछ पढ़े कि मेराज में मुशाहिदात भी हैं, मेराज में अजायबात, मेराज में रब के एहसानात भी हैं, मेराज में सलात भी है, मेराज में नजात भी है, मेराज में इमामत भी है, मेराज में करामत भी है, मेराज में क्या है जो नहीं, सारी कायनात मेराज में है, अव्वल से लेके आखिर तक सारी कायनात मेराज में है, और जब मेराज में है तो उसी का नाम है मुशाहिदा, मुआयना, गोया कि इतनी पल में रब ने अपने हबीब को सारी कायनात का मुशाहिदा मुआयना करवा दिया, दिखा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये सवाल, सुभान अल्लाह, इतना लंबा सफर हुआ कैसे, तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा, आयत पे गौर करें, जवाब वही मिल जाएगा। यानी हैरत तब होती, मानने न मानने का सवाल तब पैदा होता कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, और फिर बीच में जो जो रुकावटें हैं, अब किस किस का जिक्र किया जाए साहब, आसमान से नीचे जमीन तक ये खला है स्पेस, और ये साइंस जो है ना, साइंस ये भी अभी तक तय नहीं कर सकी कि इसका फासला कितना है, हरगिज नहीं। और ये जो सितारे हैं, सितारे इनकी रफ्तार भी अल्लाह बेहतर जाने, जब से बने हैं गिरे हैं अभी तक यहां नहीं पहुंचे, ये खला है, और ये ढकोसले हैं जो बता रहे हैं कि यहां पहुंचे वहां पहुंचे, मंगल संगल सब संगल मंगल क्या ये खला जो है ना, खला बहुत तवील है, बहुत तवील, अल्लाह जाने रसूल जाने इसके बीच में अल्लाह जाने क्या क्या है, आप जरा साइंस वालों से पूछिए, जहां तक पहुंचे कहते हैं बीच में जमहरीर है,
यानी ऐसी बर्फीला इलाका है कि वहां से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। ऐसी बर्फ है कि जो पहुंचा वो ठंडा हो गया, और इसी बर्फ के ऊपर ऐसी गर्मी है और ऐसा हरारत वाला आग वाला एक खिता आता है कि उसमें जो पहुंचा जल करके खाक हो गया। ये सब बीच में है, हम और आप यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर का भी अंदाजा नहीं कर सकते। हमारी जहन, हमारी अकल, हमारे दिमाग से 1 फीट ऊपर भी नहीं। ये जो दिमाग शरीफ है ना, इससे 1 फीट ऊपर तक जाए तो जाए। जैसे दक्षिण की हवा लग रही है, हम समझते हैं कि हर जगह दक्षिण की है, ये भूल है। 1-2 फीट ऊपर उत्तर की जा रही है दक्षिण। और अगर किसी को मानने में ना आए तो जरा ऊपर जाके देखे, 1-2 नहीं कहीं तहे हैं। कोई हवा उधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, बीच में बर्फ है, बीच में आग है, और बीच में न मालूम कैसी कैसी रुकावटें हैं। साइंस भी कायल है, लेकिन जब मेराज की बात आई तो अक्ल वाले कहते हैं कि जमहरीर से कैसे गुजरे और कुर्रे नार से कैसे। कुर्रे नार यानी आग ही आग, और बेशक हक है, बिल्कुल हक है। यानी ऊपर भी खला, नीचे भी खला, बीच में जल रही आग। सुभान अल्लाह, ये कुदरत है अल्लाह की, ये कुदरत है अल्लाह की। अब उसमें क्या जल रहा है ये अल्लाह जाने और रसूल जाने, लेकिन आग है कि शोला जन है, और फिर उसकी मोटाई भी अल्लाह जाने और उसकी लंबाई भी अल्लाह जाने। आसमान पर जाना है तो इस कुर्रे नार को पार करना होगा। ये हवाएं हैं, ये बर्फ है, ये आग है, ये सब आसमान से नीचे है और फिर आसमान है, और ये पहला आसमान है, और आसमान के बाद फिर खला है, और फिर दूसरा आसमान है, और दूसरे आसमान के बाद फिर खला। ऐसी खला, खला माना खाली जगह। ये जो आसमान जमीन के बीच में है ना, खाली जगह। हमारे पैर जमीन पे हैं, हम खाली जगह में। हम जो हमारा वजूद जो है ना, किसमें है? खला में, खला में। और अल्लाह की कुदरत देखिए, ये खला में है, गिरना चाहिए ना, न इधर गिरता है न उधर गिरता है। ये कुदरत नहीं तो और क्या है? और पांव भी 2 हैं 4 नहीं है। और ये साहब खा खा के चाय जितने मोटे हो जाएं लेकिन गिरेंगे नहीं, ठीक है? कहीं आर्जा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 2 पांव पे खड़े, घुटनों में दर्द हो, ये अलग बात है। लेकिन साहब हकीकत ये कुदरत है, कुदरत ये खला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कुर्रे नार है, ये जमहरीर है, ये इतनी खला, और मुस्तफा जिस्म के साथ गए तो गए कैसे, फिर आसमानों पे कैसे, और फिर लामका में कैसे, फिर सिदरा पे कैसे? ओ कैसा कैसा करने वाले, अगर ये सवाल तब पैदा होता जब मेरे नबी फरमाते मैं गया। यहाँ नबी नहीं, खुदा फरमा रहा है कि मैं ले गया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असरा बिअब्द ही, रब फरमा रहा है नहीं नहीं। रब को मालूम था कि नादान यहाँ पे ये सवाल खड़े करेंगे, हालांकि रब ने अपने हबीब को ताकत दी थी। मुस्तफा जाना चाहते तो जा सकते थे, लेकिन चूंकि दुश्मनों की जबान बंद करना थी, इसलिए रब ने फरमाया कि अगर मेरा महबूब कहता कि थोड़े से वक्त में मैं गया हूँ तो तुम एतराज कर सकते थे, नऊज बिल्ला। लेकिन यहाँ दावा नबी ने नहीं किया, जब फरमा रहा है सुबहान पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। आ मैदान में, अब बता खुदा ले जा सकता है या नहीं? अगर कहे ले जा सकता है तो समझ लो मोमिन है, और कहे नहीं गया जहन्नम में, गया जहन्नम में, क्योंकि खुदा की खुदाई और कुदरत का मुनकिर है। इन्नल्लाह अला कुल शयइन कदीर, तो अल्लाह ले गया। अब अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना, अल्लाह तआला ले गया अपने बंदे को और सैर कराई। क्यों सैर कराई? ये फिर सवाल आ गया, यानी शुरू ही में सवाल पैदा हो गया।
और मैं बस इसी सवाल के जवाब पर बात खत्म कर दूंगा और वाकई मेराज फिर कहीं और इंशाल्लाह। हमारा मकसद जो है वो तो बहरहाल मिलने वाला ही है, क्या करें अब आगे बढ़ सकें तो बढ़े ना, जैसे बढ़ने की कोशिश करते हैं फिर जैसे कोई पीछे धकेल देता जाते हैं पीछे। मैं तो कोशिश कर रहा था कि मुख्तसर करके पूरा वाकया बता दूं, लेकिन इत्तफाकन कोई ना कोई सवाल जहन में आ जाता है तो सवाल आ गया ना। इतना लंबा सफर, इतने मुख्तसर से अरसे में रब ने अपने महबूब को मेराज करवाई, क्यों? इस क्यों के दसियों सवाल तो इन उलमा के पास है। ये जो हम जैसे आलिम हैं इसके दस जवाब तो ये दे सकते हैं, और हजारों सवाल जवाब वो हैं जो वली देंगे, उलमाए रब्बानी ही नहीं देंगे, उससे ज्यादा वो देगा जिसने पिया है, पिया है, और फिर वो भी जवाब देकर के कहेगा कि बाकी हिकमत अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, बाकी हिकमत अल्लाह जाने। ये इसको कहते हैं मेराज की हिकमतें। उन हिकमतों में से वक्त की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ एक हिकमत अर्ज कर रहा हूं, और इस उम्मीद पर कि आप जैसे गौर से सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह इसको दिल की गहराइयों में जगह भी अता फरमाएंगे, और जरा इस पर कभी तन्हाई में याद आने पर सोचेंगे भी। मेराज की हिकमतें, उसमें से एक हिकमत क्या, यानी ये मेराज क्यों हुई? अब आइए, बड़े जरा मैं अदब से बात कर रहा हूं, आप जरा बेदारी का सबूत दें। मेरे आका की विलादत भी नहीं हुई थी कि आपके वालिदे मोहतरम का यतीम पैदा हुए, 6 साल के हुए तो वालिदा का विसाल हो गया, फिर दादा का विसाल हुआ, फिर चचा की परवरिश में आए, इस तरह आपने बचपन गुजारा। बताइए 6 महीने के हैं और वालिदा का विसाल हुआ, दुख नहीं हुआ होगा? और जो हुआ है वो जरा सीरत पढ़ के देखें। हजरत आमिना ने जब सीने से लगा करके अलविदा किया था कि बेटे मैं तेरी पेशानी में वो चीज देख रही हूं कि दुनिया तेरी दीवानी हो, लेकिन आज इस सफर में सिर्फ मेरी कनीज है और मुस्तफा तू है, और मां भी तुझे तनहा छोड़ के जा रही है, दर्द नहीं हुआ होगा? सीरत पढ़े, सीरत मेरे आका ताजदारे मदीना की सीरत। 40 साल गुजारे आपने मक्के में, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कह दिया करें। कई बार हमने अर्ज किया है कि जब हुजूर का नाम आए तो कंजूसी न करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। जो लोग गुस्ताख हैं वो भी इसका एहतमाम करते हैं, जो नबी को अपने जैसा कहते हैं नऊज बिल्ला, नाम सुनकर सल्लल्लाहु, हम दुरूद न पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? हम तो हैं दुरूद पढ़ने वाले। सुभान अल्लाह, यानी आपका इस्म शरीफ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन पर आसमान में अहमद, फिर ऊपर और ये जमीन पर मोहम्मद आसमान में अहमद, यही नाम अहद भी था जी, और कहीं जाकर के ये महमूद भी बनेगा। आए, 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 आए। अहद अहमद मोहम्मद महमूद महमूद, और वही है मकामे महमूद, जैसा जहान वैसा नाम। क्या बात है, वाह। जैसा जहान वैसे नूर के जलवे, जलवे वाह 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 वाह, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये जलवों की बात आई तो मैंने आला हजरत का बंद पढ़ दिया, जिमनन पढ़ा। मैं अर्ज कर रहा था कि आपका नाम मोहम्मद, लेकिन मक्के वाले आपको कहते थे अमीन। एलाने नबूवत से पहले मक्कतुल मुकरमा का बच्चा बच्चा बूढ़ा मर्द नौजवान आपको दो नामों से याद करता था, या तो कहता था अमीन या कहता था सादिक। वाह वाह वाह, इसी नाम से मेरे और आपके आका मक्के में पहचाने जाते थे। लेकिन जैसे ही रब ने फरमाया महबूब ऐलान कर, अपनी नबूवत को जाहिर फरमा, फरान की चोटी पर चढ़ करके मेरे आका ने फरमाया कुलु ला इला इल्लल्ला तुफलिहु, ये सदाए हक थी, ये कड़का था बिजली का या थी सौते हादी, ये कड़का था बिजली का या थी सौते हादी।
क्या तशबीह दी है कौन समझ सके, क्या कड़का बिजली का सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, वही लोग जो अमीन सादिक कहते थे नऊज़ बिल्ला, उन्होंने जो कहा न मैं कह सकता हूँ न आप कह सकेंगे, जिसके मुंह में जो आया वो पकने लगा। और फिर गैर तो गैर खुद सगे चचा हैं जिन्होंने कहा था तबन लका अलिहाजा दाउता, ऐ मोहम्मद तेरी बर्बादी हो, क्या इसीलिए बुलाया था, रब को गजब आया। मुस्तफा ने जवाब नहीं दिया, रब ने फरमाया महबूब मत बोलना मत बोलना, तू रहमतुल आलमीन है, दागर ये चादर दागदार नहीं होनी चाहिए, महबूब तू चुप रह जवाब मैं देता हूँ। इसने कहा तबन तो रब ने फरमाया तबत यदा अबी लहब व तब। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं ये सिर्फ इसलिए कि आप अंदाजा फरमाएंगे हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे आका के साथ अमीन सादिक। और आज नऊज़ बिल्ला न मालूम क्या क्या मुस्तफा को ताने दिए जा रहे हैं, राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं, गढ़े खोदे जा रहे हैं, सजदे में हैं तो पीठ पर पुश्त पर ये ओझड़ी रखी जा रही है, गले में फंदा डाल के और मेरे आका को अजियतें पहुंचाई जा रही है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुर्बान जाऊं नबी का हौसला। हाय अल्लाह, ये नबी ही हो सकता है, बाकी किसी में ये दम नहीं। हम दो चार दिन दो महीने चार महीने कोई काम करें और अगर हौसला न मिले तो हौसला हार बैठते, कहते अब ये काम होने वाला नहीं, थक गए हार गए छोड़ दो, लेकिन ये शान नबी की है जो मेरे नबी से पहले भी नबियों में चली आई, चाहे जितनी अजियतें तकलीफें मुसीबतें रुकावटें, लेकिन नबी ने कभी अल्लाह अकबर अपने फर्ज मनसबी से जरा भी कोताही नहीं की, वो कांटे भी छाते रहे नबी कांटे हटाते रहे, वो गढ़े खोदते रहे नबी, उन्हीं के लिए गढ़ों को पूरते और खत्म करते रहे, सिलसिला चलता रहा। ताइफ गए हैं, पढ़ें जरा सीरत, मेरे आका ताइफ गए, ताइफ वालों ने क्या किया था मालूम है, ओबाश लूंडों को मेरे आका के पीछे कर दिया था, फरमाया पत्थर बरसाओ, इतने पत्थर बरसे जिसमें पाक से खून बहा और आपकी मुकद्दस नालाइन में खून जमा हुआ और फिर वही खून मुकद्दस पांव और आपकी नालाइन के बीच में ऐसा सूखा कि पांव नालाइन से चिबट गया, निकालना भी मुश्किल चलना भी मुश्किल। नबी बैठे दुश्मन बाजू पकड़ के उठाए और फिर दो कदम नबी चले तो ऊपर पत्थरों की बरसात, अंदाजा फरमाइए शीशे जैसा नूर वाला दिल मुस्तफा का, कल्ब नाजुक मुस्तफा, ये सारे सदमे थे या नहीं, सदमे थे, और मेरे आका इन सदमों को बर्दाश्त करते जा रहे हैं, बर्दाश्त करते जा रहे हैं, सदमे हैं तकलीफें हैं बड़ी गमगीनी है, यही 26 रजब की रात है और मेरे आका दिन भर घूमते रहे और मुशरिकीन को दावत देते रहे, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, रात को लौटे और अपनी चचाजाद बहन हजरत अली की सगी बहन नबी की चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाए और वहां पर आपने आराम की गरज से बिस्तर पे लेटे हैं, चादर ओढ़ी है लेकिन दिल में वही परेशानी और गम है, दुनिया ने कदर नहीं की, लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, लोगों ने मेरे आका की ताजीम नहीं की, दिल में जरा सी तकलीफ हुई नबी का दिल गमगीन हुआ, रब तबारक व तआला की रहमत जोश में आई, रब ने फरमाया जिब्राइल जा मुस्तफा को ला ताकि आके देख ले कि मुस्तफा की कदर रब की बारगाह में कितनी है। अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबुव्वत सुभान अल्लाह सुभान। अब जो असल बात है वही कह दूं या कुछ और बोलूं, असल बात आप भी यही कह रहे हैं तो सबका इरादा भी यही होगा, असल बात का मतलब है नतीजा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद, सारी कायनात चाहती है कि रब राजी हो और रब की रजा यह है कि मेरा महबूब
नाराज हुई इसलिए थी कि मुस्तफा को लोगों ने जब यूं नाराज किया तो रब ने फरमाया महबूब आ जा, आज पर्दा हटा के जलवा दिखा दूं ताकि गम गलत हो जाए और शान बुलंद हो जाए। अब नतीजा एक जुमले में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह अपने हबीब को गमगीन देखना पसंद, ये मैं अपनी तरफ से तर्जुमा कर रहा हूं, इसमें इधर उधर इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन बड़े एहतियात से ये बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ताला अपने हबीब को गमगीन गमजदा दुखी दिल देखना पसंद, ये मेराज से साबित हुआ। और जब मेरे आका का ज्यादा दिल दुख हुआ तो रब ने मेराज में बुला के राजी फरमा दिया, इसीलिए मेराज। मेराज की पहली हिकमत ये है, रब ने फरमाया महबूब तेरे दिल के गम को मेरी रहमत देखना गवारा नहीं करती, महबूब अगर मक्के में तेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं तो आ जा बैतुल मुकद्दस में, 1,24,000 नबी मुक्तदी बना दूंगा और आमिना के लाल तू इमाम बन जाएगा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। रहमत ने कहा महबूब अगर मक्के वाले कलमा नहीं पढ़ते हैं तो न पढ़ें, जरा आसमानों पे आके देख ले नूरी मखलूक है, लब पे तेरा कलमा है, जिस आसमान पे जाएगा गूंज यही होगी ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी ये सब इसलिए है, अल्लाह ताला अपने हबीब को नाराज गमगीन देखना पसंद, इसलिए इतना लंबा सफर, इतने सारे जलवे, इतनी सारी बहारें, इतनी सारी सजावटें, यहां हिकमत की बातें तो इतनी हैं। सिद्रा की क्या जरूरत थी वहां पे, सिद्रा मना बेरी का दरख्त क्यों लगाया गया, सिद्रतुल मुंतहा जहां मखलूक की इंतहा, जिब्राइल भी आगे नहीं जाता, वहां बेरी का दरख्त। ये जो राजदा है ना उनसे पूछिए कि अजल से रब ने लगाया क्यों था और इसमें था क्या। दरख्त पत्तों वाले बहुत हैं लेकिन वाकई अगर असली बेरी है तो उस जैसे पत्ते किसी में नहीं होंगे, और उन पत्तों के बीच में जब ये बोर लगते हैं बोर, फिर उसकी खुशनुमाई का भी क्या कहना, पत्ते पत्ते के साथ और फिर उसके साये का क्या कहना। ये दुनिया की बोर है, दुनिया बेर बोर क्या बोलते हैं जो भी बोले, एक दरख्त है हर जगह पे होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था भाई, सिर्फ नाम से कहीं इसको उस जैसा न समझे, ये तशबीह होगी किसी वजह से। तो बुजुर्गों ने लिखा है कि उसको तो रब ने लगाया ही आज के दिन के लिए था, लगाया ही आज के लिए था कि मुस्तफा जब वहां पहुंचेंगे तो उसमें जो रोशनियां होंगी वो रोशनियां ऐसी होंगी कि उसकी जगमगाहट जो है उसको कोई समझ भी नहीं सकता, और उसके चारों तरफ नूरी मखलूक फरिश्तों की दुरूद की सदाएं जो होंगी, ये मजमा जो होगा, ये महफिल जो होगी, ये सब था ही इसलिए कि मुस्तफा राजी हो जाएं और गम गलत हो जाए। तो अब ये सुन ले जरा, अब ये मैं यानी अब मेरा आज तो खैर बयान नहीं हुआ, अल्लाह कबूल फरमाए, होता रहेगा, लेकिन एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो करूं, और अगर इस वक्त आप जवाब के मूड में हो, और देने की जरूरत नहीं है, जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन जरा हौसले से काम रखें, हाँ इंशाल्लाह। लेकिन ये जज्बा जो है ना, सवाल सुन के शायद सर्द पड़ जाए। अब सवाल भाई ये है कि हम यानी हम इस वक्त जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे और आपके आका हमें देख रहे हैं या नहीं, अगर कोई ना करे तो ईमान नहीं रहेगा, हाँ, क्योंकि मेरे आका की मुकद्दस नजर पर कोई चीज पोशीदा, बेशक खुद मेरे आका ने फरमाया सारी कायनात, ये जग नहीं 18,000 आलम है,
और किसी ने इससे भी ज्यादा कहा। आपने फरमाया तुम्हारे 18,000 आलम ऐसे हैं जैसे मेरी हथेली में राई का दाना। 18,000 आलम निगाह मुस्तफा में, हम उन आलम मुंह में हैं या बाहर हैं तो क्या हमें नहीं देख रहे? एक बात, हमें भी देख रहे हैं और हम में है उसे भी देख रहे हैं। यानी हमें भी और हम में का मतलब हमारे अंदर दिल है और दिल में भी कुछ होता है कि नहीं होता? कि नहीं होता, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तो अल्लाह के हबीब की शान ये है कि वो उम्मती को भी देख रहे हैं और उम्मती के अंदर दिल में जो है उसको भी देख रहे हैं। न समझ में आए तो सिद्दीक अकबर की शान पढ़ लें। सिद्दीक अकबर की शान जब पढ़ेंगे तो ये दोनों मसाले हल हो जाएंगे कि सिद्दीक को भी पता नहीं था कि मेरे अंदर वो 360 सिफतें हैं या नहीं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक वो सब तेरे अंदर। खुद उम्मती को खबर नहीं, नबी को खबर है कि अंदर है। तो हमारे जाहर को भी मुस्तफा देख रहे हैं और अंदर को भी। और इस वक्त जो हाल है, जब ये देखते होंगे, देख रहे हैं, तो देख के राजी होते होंगे या नाराज? सुभान अल्लाह, किसी ने राजी राजी कह दिया, वो ना समझी में कहा। हाँ, जो यानी ये अकीदत है, अकीदत यानी ये अकीदत ये है कि हम चाहे जैसे रहें फिर भी राजी है। हम है ना, हम जैसा कोई वो उनसे नहीं, हम है ना। हाँ, हमसे राजी नहीं होंगे तो किससे होंगे? फिर ये एहसान जता रहे हैं। अब क्या कहा जाए, अब मैं क्या सवाल करूं? अब सवाल का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। हालांकि हकीकत ये है भाई, देखो हकीकत ये है, मेरे आका इस हाल में उम्मती को देख करके हरगिज राजी, और जब राजी नहीं होते हैं तो नाराज होते हैं। भाई एक आदमी है जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, और मेरे आका ने फरमाया दाढ़ी रखो, और दाढ़ी रखना ये हुजूर की सुन्नत है, और इसे मूंढना ये गैरों का तरीका है। और मेरे आका ने फरमाया कि गैरों की मुखालिफत करो और दाढ़ी बढ़ाओ, मूंछें पस्त करो। अब जब दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म मेरे आका ने दिया और हम उसको साफ कर रहे हैं, तो क्या ये मुस्तफा को राजी करने वाला काम है? अच्छा, ये तो एक बात हुई। मेरे आका ने फरमाया कि नमाज किसी भी सूरत में मत छोड़ना, किसी भी सूरत में। ये हुक्म किसका है? अल्लाह और उसके। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो मुस्तफा तो देख रहे हैं, तो देख करके राजी होते होंगे या नाराज? भाई बोल दीजिए नाराज, राजी कैसे? इसमें हकीकत बोलने में आप कतराते क्यों हैं? ये हकीकत है, कोई माने या न माने, हकीकत बदल सकती नहीं बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती हमारे इन कागज के फूलों से। ये कागज के फूल हैं, खुशबू नहीं आ सकती, भले इसे गुलाब जैसा बना दें, लेकिन खुशबू उसी में होगी जो हकीकत में गुलाब होगा। तो मेरे आका का महबूब वही होगा जो पक्का नमाजी होगा। फैसला नबी ने फरमा दिया, फरमाया जो इल्लत कुर्रत ऐनी फिस सलात, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, अगर मुझे राजी रखना चाहते हो तो मैं तब राजी होऊंगा जब तू नमाज पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। और ये नमाज मौजजा, मेराज का तोहफा, मेराज का। जब कोई आदमी कहीं अच्छी किसी विलायत वगैरह में जाता है, जैसे बाप ही ले लीजिए, दोस्त ले लीजिए, अच्छे शहर में गया और वहां अच्छी चीजें देखी, तो फौरन बच्चों का ख्याल आएगा कि खाली नहीं जाना चाहिए, तोहफा ले जाओ, खुद कुछ नहीं, भूखा रहे तो भी रहे, लेकिन लेके तोहफा लाते। और मेरे आका गए रब की बारगाह में और वापस आ रहे उम्मत के पास, दिल में ख्याल आया मौला तोहफा भी हो ना, तो लिखा है कि रब ने फरमाया महबूब पसंद तेरी अता मेरी। और मैं पहले भी बता चुका हूं
ये जो अभी मैंने जिक्र नहीं किया है आप कल जरा पढ़ करके देखें। मेरे आका बैतुल मुकद्दस से चले, पहले आसमान पे पहुंचे, जिब्रील साथ है, बुराक पे सवार हैं। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर दरबान ने कहा मन अनता, इन्होंने कहा जिब्रील। तो जिब्रील ने कहा कोई और भी साथ में है? तो कहा मोहम्मद। तो उस दरबान ने कहा दो ही है, क्या बुलाए गए हैं? तो जिब्रील ने कहा हाँ बुलाए गए हैं। यहां अगर हजरत तकरीर करें तो एक घंटे की तकरीर सिर्फ इसी पे हो सकती है, सिर्फ इसी पे। ये पहले आसमान पे दरवाजा बंद, हालांकि फरिश्तों के लिए दरवाजे बंद नहीं है, और फरिश्ते हर आदमी का एक फरिश्ता आता है जाता है, अमल लेके जाता है खाली जाता है। लेके गया तो फरिश्ते समझते हैं जिंदा है, नहीं लेके गया कहते मर गया। ये अलग एक विषय है, विषय हर आदमी के लिए अमाल का एक, जितने आदमी उतने दरवाजे, और फिर उसका अमल लेने के लिए फरिश्ते भी मुकर्रर हैं। फजर के वक्त आए, जिन्होंने पढ़ी उनकी ले गए, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनकी खाली गए। आसमान में जा रहे थे खाली, दूसरे फरिश्तों ने देखा वो फलां तो मर गया, तो किसी ने कहा कैसे? कहा जिंदा होता तो नमाज वाले नमाज लेके जाते, ये तो ऐसे ही जा रहे हैं इसलिए मर गया। अब ये उम्र में 7 साल तक फजर में मरता रहा, जोहर में मरता रहा, असर में मरता रहा, ये कैसे कह रहा है कि मैं जिंदा हूं? जानवर की तरह जिंदा है तो है, दुनिया के पास जिंदा है तो है, लेकिन रब की बारगाह में जिंदा वो है जिसकी फजर भी लेके फरिश्ते जा रहे हैं, जोहर भी लेके जा रहे हैं। फरिश्ते उसको मुर्दे के नाम से ताबीर नहीं करते, नमाजें जा रही है तो फरिश्ते कहते हैं जिंदा है, नहीं जा रहे तो कहते हैं मर गया। वाकया मेरे पास जुनेद बगदादी वाला भी है, लेकिन अभी यहां छेड़ूंगा नहीं। लेकिन हकीकत यही है, जितने आदमी उनके आमाल के दरवाजे, फिर जिब्रील के आने का दरवाजा, वो भी कभी खटखटाते नहीं है, जब जी चाहा आए। और अगर खटखटाते तो हजरत यूसुफ को कुएं में डाला, वो खटखटाते रहते और हजरत यूसुफ कुएं के तह में गिर जाते, और जिब्रील को भी अगर दरवाजा खटखटाना पड़ता तो वो तो खटखटाते रहते, और उहद में मुस्तफा का पाक खून जमीन पे गिर गया होता। फरिश्तों को खटखटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां मामला कुछ और है। बाकी दरवाजे जो हैं खुलते रहते हैं, लेकिन रब ने ये दरवाजा बनाया ही मुस्तफा के लिए था, जब से बना तब से बंद था। फरिश्ते को भी मालूम था किसी के लिए खुल नहीं सकता। जिब्राइल भी कहे तो मत खोलना, हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमाते मुस्तफा, वाह 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 वाह, हाय हाय। और पूछ लेना कि जिब्राइल अकेले हो, और मैं अर्ज कर दूं अगर अकेले होते तो फरिश्ते कहते जहां से वही लेके जाते थे वहीं से चले जाओ, वो दरवाजा खुला है, इधर से नहीं। साथ में कोई है या नहीं? जिब्राइल ने कहा मोहम्मद हैं। तो फरिश्तों ने कहा दावत पे जा रहे हैं? तो उनको भी पता था कि मुस्तफा इस दरवाजे से दावत पे जाएंगे, बुलाए हुए जाएंगे। और आप अंदाजा फरमाएं, सुभान अल्लाह, जब कहा कि हाँ बुलाए गए हैं तो उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलना था कि सबसे पहले हजरत आदम खड़े हैं, और हजरत आदम ने आगे बढ़कर के कहा मरहबा इब्नी, मरहबा मरहबा। और आपने फरमाया मेरे बेटे साले बेटे साले नबी तुझे मरहबा। हजरत आदम ने मरहबा। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी बुराक पे जा रहे हैं, आदम वही सब में खड़े थे मस्जिद अक्सा में, बुराक वाले मुस्तफा दरवाजे पे नहीं पहुंचे और नबी पहले पहुंच गए हैं। यहीं से पता चला कि बुराक सिर्फ शान के लिए था, वरना बुराक की तेजी से तो हजरत आदम की तेजी ज्यादा है। और फिर आदम ही नहीं, मेरे आका जब पहुंचे थे 6ठे आसमान पे, हजरत मूसा कलीमुल्ला वहां थे। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, हरम से चले बीच में कई मुशाहिदात हैं। लाजवाब लाजवाब, हाय 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 हाय, क्या बात है हजरत, माशाल्लाह। दोजख में गुनाहगारों को जो जो अजाब दिए जाएंगे सब का मेरे आका ने मुशाहिदा किया था, लेकिन कहां किया था?
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जब जा रहे थे इसी में किया था, क्योंकि दोजख सातों जमीनों के नीचे है, वो जितने भी मुशाहिदात हैं सब इसी सफर में हुए थे। मदीने पाक में दो नफिल भी मुस्तफा ने पढ़ी थी, हजरत मूसा वाले दरख्त के पास भी दो नफिल पढ़े थे, हजरत ईसा की विलादत के पास भी दो नफिल पढ़े थे, कोहे तूर पर भी दो नफिल पढ़े थे। ये सारे मुशाहिदात होते जा रहे हैं, मुस्तफा जा रहे हैं, और फिर हजरत मूसा को कब्र में नमाज पढ़ते देखा और इतनी तेजी से बुराक जा रहा है, और मेरे आका खुद फरमाते हैं रहे तो मूसा भी कब्र ही कायमन युसल्ली, फरमाया मैंने हजरत मूसा को कब्र में खड़े देखा और दुरूद पढ़ रहा था। ये मैंने एक माना किया, दूसरा माना है नमाज पढ़ रहा था, तीसरा माना है दुआ कर रहा था, और ये तीनों माना है हो सकती है। हजरत दुआ भी कर रहे थे, दुरूद भी पढ़ रहे थे, नमाज जो भी माना करें, लेकिन थे खड़े। खड़ा कोई मुर्दा नहीं हो सकता। और ये मेरे आका फरमा रहे हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान अकीदा है हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, नमाज भी पढ़ता है, जहां चाहे वहां आ जा भी सकता है। और ये मेराज में ये सारे मसाइल हल होते हैं, सारे जितने भी मसाइल उलझे हुए हैं अगर गौर किया जाए तो मेराज में सबका जवाब है, सबका। एक जवाब अर्ज कर दूं यहीं पे, हजरत मूसा कब्र में खड़े हैं नमाज पढ़ रहे हैं, और मेरे आका जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो पहले वहां भी खड़े नबियों के साथ, 1,24,000 नबी पहले पहुंच गए थे और ये पहुंचे थे, इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अकबर, आप यूं समझ लिए दुनिया भर का हुस्न सिमट करके मस्जिद अक्सा में जमा हुआ, और इस सारे हुस्न के बीच में हुस्न यूसुफ, मस्जिद में हुस्न की कमी क्या थी, अब हुस्न में बहार आई है, बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, और ये सवारी सुए जाते बारी चली, और ये सवारी ऐसे नहीं थी, बुराक सवारी के लिए था, बाग जिब्राइल के हाथ में थी, 70,000 मलाइका की बारात थी, और यहां मुस्तफा दूल्हा बने थे। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, बारात है, और नूरानी चेहरे सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है। या जज्ब ढीला हो गया थोड़ा सा, मैं बीच में उलझा, इसलिए सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, आप अगर साथ देते तो पता भी नहीं चलता, लेकिन चूंकि मैं थका हूं तो भाई आप भी थक गए। जज्बे हुस्ने ये सब माना की जाए तब समझेंगे, जज्बे हुस्ने तलब, जज्ब किसका, हुस्ने तलब किसकी, जज्ब किस में है, हुस्ने तलब किसकी, ये इश्क ही समझा सकता है, जिसने इश्क नहीं किया वो न समझा न समझेगा, न जज्ब से समझेगा न हुस्ने यानी इससे समझेगा। हुस्ने तलब जज्ब हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, और सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, गौर से सुने, सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, और शाह दूल्हा बना आज की रात है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजुन्नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हरम पाक में हतीम में अगर किसी की सवारी खड़ी हुई तो मुस्तफा की सवारी है, सारे नबियों ने सवारियां हरम से बाहर बांधी हैं, बुराक हतीम में है, मुस्तफा दूल्हा बने हैं, और जो दूल्हा बनाया गया अब मैं उसका बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, बस इतना सुन ले, शाह दूल्हा बना आज की रात है, और जिब्राइल ने फरिश्तों ने बारात की शक्ल में दूल्हे को जब बुराक के सवार किया, मेरे आका ने तवक्कु फरमाया और अर्ज की या रसूल सवार हो, मेरे आका ने तवक्कुफ किया, रब ने कहा जिब्राइल पूछ तवक्कुफ क्यों है, फरमाया मेरे लिए तो बुराक है, मेरी उम्मत जब पुल सिरात से गुजरेगी तो हाल क्या होगा, जिब्राइल को रब ने फरमाया, जिब्राइल कह दे मुस्तफा को घबराने की जरूरत नहीं, ए मेरे हबीब रब्बे सलीम तू कहना पर जिब्राइल बिछाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत अजमत मुस्तफा। आखिरी बात, आखिरी बिल्कुल, हालांकि अव्वल है और मैं आखिरी कर रहा हूं, ये बात जो है ना उसकी अव्वल भी नहीं, बात का ये अव्वल भी नहीं, लेकिन मेरी बात का ये आखिर है। जो बात हो रही ना उसका ये अभी अव्वल भी नहीं हकीकत में, लेकिन मेरी कमजोर की और हमारी और आपकी जो बात है ना उसका ये, और ये इसलिए मैं वाजे इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप, और मैं देख रहा हूं बहुत खुश हो गए, सिर्फ मेरे इस जुमले पे हर चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई जब मैंने ये कहा ना मेरी बात का ये आखिरी हिस्सा। बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, क्योंकि घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि ये जरा मदहम होके फिर जोश में आते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर जोश में आते हैं, पता नहीं कहां तक ये सिलसिला चले। घबराने की जरूरत नहीं, शाह दूल्हा बना, आज की रात है, सुभान अल्लाह, मेरे आका दूल्हा बने हैं। और बुजुर्गों ने तशबीह दी है, जब किसी का नौजवान बेटा दूल्हा बनता है और फिर उसको मुबारकबादियां दी जाती हैं, और मुबारकबादियों के बाद माँ ने देखा कहा सुभान अल्लाह, बाप ने देखा कहा सुभान अल्लाह, भाइयों ने देखा कहा सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या सहरा जचता है, और सहरा पढ़ने वाले ने भी कहा पढ़ने वाले ने भी कहा कहते हैं कि नहीं सुभान अल्लाह। जी, जी, जी। जब कोई दूल्हा बना तो सबने कहा सुभान अल्लाह। मक्के पाक की सरजमीन है, हतीमे काबा है, बुराक सवारी है, मुस्तफा दूल्हा बने, वालिदा है नहीं कि कहें सुभान अल्लाह, वालिद भी नहीं है कि कहें सुभान अल्लाह, मुट्ठी पर सहादा है वो भी सोए हुए हैं कि वो कहें सुभान अल्लाह, दूल्हा बने हैं लेकिन कोई सुभान अल्लाह कहने वाला नहीं है। रहमत जोश में आई, रब ने फरमाया मेरे महबूब घबरा मत, तेरे इस दूल्हा बनने को देख करके तेरा रब कह रहा है सुभान अल्लाह जी असरा। हाय 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 सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, और सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, मांग लो मांग लो चश्मे तर मांग लो। नहीं मैं भूला तो आप भी भूल सब भूल, मांग लो मांग लो चश्मे तर मांग लो, चश्मे तर मांग लो दर्द दिल हुस्ने, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल होता तो याद आती न बात, बाकी तो सब है लेकिन दिल होता तो बात याद आती। जी जी जी। और फिर दर्द दिल, दिल ही नहीं दर्द दिल, वाह वाह वाह, यहाँ तो सर के दर्द से परेशान है, पेट वा वा के दर्द ने परेशान कर दिया, दर्द दिल और उसने सारे दिल परेशान करते हैं, कसम रब की जिसको दर्द दिल मिला दर्द मिट गया है, है इसलिए उसने कहा दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, नजर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो अल्लाह, फिर क्या मांगो कमली वाले की, सब्ज गुंबद के साये में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, वाह 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 वाह, कम हाथ भी यूं कर देते इनको सुभान अल्लाह सुभान, क्योंकि मांगने के लिए हाथ ही उठ किए जाते हैं। जी 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 जी। तो सब्ज गुंबद के साये में घर मांग लो, क्यों मांग लो, कल क्यों नहीं मांग रहे थे, मांगने के कल नहीं मांग रहे थे, आज ये क्यों मांग रहे, इसलिए जवाब दिया कि मांगने का मजा आज की रात है, रातें तो बहुत आती हैं लेकिन आज की रात अपने अंदर जो नेमत लाई है वो आज की रात ही का हिस्सा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेना इल्ल अल बलाग व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।